अदर इनपुट डिवाइसेस ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन को करने के बाद आप जान सकेंगे कंप्यूटर के अंदर आवाज, तस्वीर और वीडियो कैसे स्टोर की जाती हैं। अब तक हमने कंप्यूटर को इनपुट देने वाली जिन इनपुट डिवाइसेस की तफसील देखी, उनमें कीबोर्ड और माउस जैसी इनपुट डिवाइसेस शामिल हैं। लेकिन आजकल के दौर में जहां हर काम जल्द से जल्द और बेहतरीन तरीके से करने की जरूरत होती है, वहां कुछ और इनपुट डिवाइसेस का होना भी जरूरी है। कीबोर्ड की मदद से हम कंप्यूटर को ज्यादातर टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन फराहम करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन के साथ साथ कुछ और किस्म की इंफॉर्मेशन जैसे आवाज या तस्वीर भी महफूज करने की जरूरत पड़ती है। आवाज या तस्वीर को स्टोर करने का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। आपको याद होगा कि हम आवाज को कैसेट्स वगैरह पर रिकॉर्ड करते आए हैं और इसके लिए माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर भी आपकी आवाज रिकॉर्ड करने की सहूलत मुहैया करता है। यानी कंप्यूटर को हम किसी इनपुट डिवाइस के जरिए आवाज या साउंड की इनपुट दे सकते हैं। कंप्यूटर में भी साउंड को इनपुट करने के लिए माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बाजार में मुख्तलिफ किस्म के माइक्रोफोन मौजूद हैं। अब आप जो माइक्रोफोन देख रहे हैं उसके साथ एक तार है, जिसकी ये नॉब या पिन आप कंप्यूटर के साथ लगाते हैं। माइक्रोफोन की मदद से हम कोई भी आवाज कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। कंप्यूटर पर ऑडियो या आवाज स्टोर करने के बड़े फायदे हैं। आप कंप्यूटर के अंदर मौजूद ऑडियो को बहुत आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं। आवाज के अलावा आपने देखा होगा कि जब हमें कोई तस्वीर या इमेज की जरूरत होती थी, तो हम कैमरे की मदद से तस्वीर उतारकर एक एल्बम में महफूज कर लेते थे। जिस तरह कंप्यूटर हमें ऑडियो या आवाज को महफूज करने की सहूलत मुहैया करता है, बिल्कुल इसी तरह हम कंप्यूटर के अंदर इमेजेस या तस्वीरें भी महफूज कर सकते हैं। अब आप स्क्रीन पर एक खास इनपुट डिवाइस देख रहे हैं, ये स्कैनर कहलाती है। ये एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम कोई भी टेक्स्ट या इमेज कंप्यूटर को मुंतकिल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम एक कागज को जिसमें कुछ तस्वीर बनी हुई है और कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको स्कैनर में डाल रहे हैं। और जब ये इनपुट डिवाइस अपना काम दिखा चुके, तो हमें यही पेज कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यानी स्कैनर के जरिए हम हार्ड कॉपी में मौजूद इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर सॉफ्ट कॉपी में तब्दील कर सकते हैं। कंप्यूटर में हम आवाज और तस्वीर के अलावा वीडियो भी महफूज कर सकते हैं। इसके लिए जो इनपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, उनमें वेबकैम, डिजिटल कैमरा वगैरह शामिल हैं। समरी। इस लेसन में आपने देखा कि माउस और कीबोर्ड के अलावा कुछ और इनपुट डिवाइसेस हैं, जिनमें माइक्रोफोन, स्कैनर और डिजिटल कैमरा शामिल है। माइक्रोफोन के जरिए आप कंप्यूटर में आवाज इनपुट कर सकते हैं। इसी तरह तस्वीरें और वीडियोस भी कंप्यूटर के अंदर स्टोर की जा सकती हैं।